जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 5 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन प्रेरणा प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। इस प्रोग्राम को गहराई से समझने के लिए विभाग द्वारा एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की गई है। आप सभी का इस वीडियो सीरीज के तीसरे एपिसोड में स्वागत है। मिशन प्रेरणा प्रोग्राम का महत्वपूर्ण पहलू है प्रेरणा लक्ष्य, जिसमें इस प्रोग्राम के उद्देश्य उल्लेखित हैं। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है कि 2022 तक प्राथमिक स्कूल के सभी बच्चे प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षताएं हासिल कर लें। इन एपिसोड्स के माध्यम से हम इन दक्षताओं पर विस्तार में चर्चा करेंगे। प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है और इस डॉक्यूमेंट में कक्षा 1 से 5 तक भाषा एवं गणित से संबंधित दक्षताएं परिभाषित हैं। इस एपिसोड में हम कक्षा 4 और 5 के भाषा और गणित के दक्षताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले कक्षा 4 में भाषा से संबंधित दक्षता को जानें। अगर कक्षा 4 का बच्चा छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उस पे आधारित प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही से उत्तर दे सकता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब हम कक्षा 5 में भाषा की दक्षता को समझेंगे। अगर कक्षा 5 का बच्चा बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उस पे आधारित प्रश्नों में से 75% प्रश्नों को सही से उत्तर दे सकता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब कक्षा 4 और 5 में गणित की दक्षता को समझने की बारी है। पहले कक्षा 4 में गणित की दक्षता को समझते हैं। अगर कक्षा 4 का बच्चा दिए हुए गुना के प्रश्नों में से 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब हम कक्षा 5 के गणित की दक्षताओं को समझेंगे। अगर कक्षा 5 का बच्चा दिए हुए भाग के प्रश्नों में से 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। तो ये थी कक्षा 4 और 5 की दक्षताएं। आप प्रेरणा लक्ष्य को वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।